रमजान ईद निमित्त जालना शहरातील मोतीबाग रोडवर असलेल्या ईदगाह मैदानावर आज मुस्लिम समाज बांधवांनी सामूहिक नमाज पठण केला. यावेळी जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षक यांच्यासह शहरातील प्रतिष्ठित नागरिकांची उपस्थिती होती. मुस्लिम बांधवांचा पवित्र सण रमजान ईद आज मोठ्या उत्साहात देशभरात साजरा करण्यात आला. जालना शहरातील मोतीबाग रोडवरील ईदगाह मैदानावर आज मुस्लिम बांधवांनी एकत्र येत सामूहिक नमाज पठण केले. यावेळी जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ, पोलीस अधीक्षक अजय कुमार बन्सल, अप्पर पोलीस अधीक्षक आयुष नोपानी, महाविकास आघाडीचे जालना लोकसभा उमेदवार डॉक्टर कल्याण काळे, जालना काँग्रेसचे शेख मेहमूद, राजेंद्र राख, ईदगाह मुतवल्ली शाह आलम खान यांची उपस्थिती होती. यावेळी उपस्थित नागरिकांचा गुलाबाचे फुलं देऊन सत्कार करण्यात आला, तर मुस्लिम बांधवांनी सामूहिक नमाज पठण केले. ईदगाहची मुतवली आज कशा पद्धतीने ईद नमाज अदा करण्यात आली, कोणी पठन केलंय आणि काय संदेश देऊ इच्छित आपण? आज ईद की नमाज बहुत अच्छी तरीके से हुई. लोगों ने एक महीना रोजे रखे, नमाज पढ़े, तरावे पढ़े और उसका फल आज हम सब मिलके शुक्राने की नमाज ईद की पढ़े. और इस अवसर पर हमारे शब्बीर मौलाना इन्होंने दो रकात नमाज पढ़ाए और सभी लोगों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. और जिस तरीके से ये एक महीना हमारे लोगों ने गुजारे, उसी तरीके से पूरे 12 महीने में भी नमाज पढ़े और सब लोगों के साथ अच्छा स्वभाव रखे. और रोज़े का मकसद ये है कि भूख क्या होती, एक गरीब इंसान भूख में किस तरीके से रहता, तो उसके भी एहसास होता रमज़ान में रोज़ों में, तो ये सब चीज़ देखने को मिलती. और आज हमारे आदरणीय SP साहब, आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय एडिशनल SP, आदरणीय DYSP और कांग्रेस के कैंडिडेट काले साहब और भास्कर दानवे साहब और इन सबका मैं शुक्रिया अदा करता. इन लोगों भी आए और इन्होंने सबको मुबारकबाद दी. और फिर से मैं अपनी ओर से सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. शुक्रिया सर.